तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय प्रदोष के समय पर शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है, शंकर भगवान की शिव